व्यक्ति पूजा अने भक्ति नो महिमा अपार छे। धर्म मा भक्ति ए आत्मनी मुक्ति नो मार्ग कदाच हशे, परंतु राजकारण मा भक्ति के व्यक्ति पूजा अधोगति लावे छे। ए सर्व कृत्या सही नो मार्ग छे, एमा शंका ने स्थान नथी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, दिल से गुजरात में है। कल संकल्प भूमि पर थे, रात के बड़ोदरा में अंबेडकर भवन है, वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था बाबा साहब के प्रति। तो हम लोग वहाँ पर आए और प्रोग्राम में बाबा साहब के हम सकल साहब की तरह दिखने वाले रोल निभा रहे थे। तो मैं उनसे परिचय कराता हूँ। मैं चेतन दोषी राजकोट से हूँ और आज के इस कार्यक्रम में जो बाबा साहब का मोनोलॉग किया, इसमें बाबा साहब का किरदार मैंने निभाया। चेतन दोषी राजकोट से। बाबा साहब का रोल निभा रहे थे, तो आप कैसा महसूस? एक्चुअली बाकी रोल ऐसे तो मैंने अपने लाइफ में मूवीज़ किया है, सीरियल्स में काम किया है, प्ले में काम किया है और बहुत अलग अलग किरदार निभाए। जैसल जाडेजा, सिद्धराज जयसिंह सोलंकी, माइथोलॉजिकल प्लेस बहुत किया है, बहुत लोगों का किरदार निभाया है। महात्मा गांधी का प्ले एक था, उसमें भी मैंने एक रोल किया था। जवाहरचंद मेघाणी जी का भाई किरदार मैंने निभाया है। लेकिन वो सब किरदार की बात करूँ और ये किरदार काफ़ी फ़र्क लगा, क्योंकि इसमें जो बात है एक समाज को जागरूक करने की बात, एक बाबा साहब की जो अनकही बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने की बात, लोगों तक दिल से दिल तक पहुंचने की बात, ये मेरे दिल को बहुत छू गई। सर आप तीसरे वर्ग के व्यक्ति हैं और आपको जात छुआछूत से कोई परेशानी नहीं थी, तो आप कब लगा कि आपको इस जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, छुआछूत ख़त्म करना चाहिए, पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहिए? आपको ऐसा कैसा महसूस हुआ, क्योंकि आप लोग उस चीज़ का शिकार नहीं है? हाँ, एक्चुअली ये चीज़ों का तो कभी शिकार थे भी नहीं और ऐसी बात भी हमारे दिमाग में नहीं आई, क्योंकि इवन हमारे डायरेक्टर जो है निर्लोक भाई परमार, वो भी एक दलित ज्ञाति से है, लेकिन बहुत सारे प्ले मैंने उनके साथ किए, उनकी फिल्मों में भी काम किया। तो हम तो सब वहाँ इसी तरह रहते थे जहाँ पर, क्योंकि कोई कलाकार को कभी कोई जाति ज्ञाति धर्म होता ही नहीं है, कलाकार का एक ही धर्म होता है कला, उसके सिवा कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन जब ये प्ले करने की बात की तो थोड़ा मन में मुझे भी लगा कि बाबा साहब का रोल मैं करूँगा, मेरी ज्ञाति में लोगों को कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बाकी मैंने जो माइथोलॉजिकल प्ले किया उसमें तो लोगों को मज़ा आता है कि मैं जैसल जाडेजा बना हूँ, मैं सिद्धराज जयसिंह सोलंकी बना हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी आवाज़ यही आवाज़ मुझे चाहिए बाबा साहब के लिए और तुम्हें ही एक प्ले करना है। तब जब मैं बाबा साहब को पढ़ता गया, देखता गया, सोचता गया, तब तक मुझे लगा कि नहीं, ये जो बाकी सभी बातें थी वो हमारे दिल में एक ही ऐसे ही थी, अदरवाइज़ बाबा को सही मायने में किसी ने सही तरह से पहचाना ही नहीं, जाना नहीं और समझा नहीं है। सर आप डॉक्टर अंबेडकर की रोल निभाते हैं, तो जो हिंदू धर्म के उच्च वर्ग के लोग हैं वो आपको दूसरे नज़र तुच्छ नज़र से देखते हैं? तो नहीं हुआ, लेकिन सब लोग हमारे साथ रहते हैं। एक्चुअली हमारा तो कला का माहौल होता है तो सब लोग साथ होते हैं, और पर्टिकुलरली मेरे घर में तो मैंने बाबा साहब का जो रोल किया उसकी तस्वीर भी मेरे घर पे लगाई हुई है, और मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं लेकिन वो सब ये तस्वीर भी देखते हैं, और बाबा साहब को देख के लोग खुश होते हैं कि आप बाबा साहब का किरदार निभा रहे हैं। आप हिंदू धर्म के तीसरे वर्ग के व्यक्ति, गांधी जी जब पॉपुलरिटी में सबसे आगे होने लगे हिंदू धर्म में, तो जो ऊंचे वर्ग के थे उनका का एक ब्राह्मण तीसरे नंबर का व्यक्ति, तीसरे नंबर का व्यक्ति पॉपुलरिटी में नंबर एक पे आने लगा, तो उसको जलन हुई और उसके बाद जी को ख़त्म करने की साजिश भी रचा गया उसके पीछे। तीसरे नंबर की व्यक्ति पहले नंबर पे पॉपुलरिटी में आ रहा है, उसके बाद गांधी जी को हत्या करने की कोशिश किया। बाबा साहब की जो सोच है ना, मैं उसके ऊपर चला, और बाबा साहब की पर्टिकुलरली ये जो सोच है, त्रिसूत्र, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छू गई, क्योंकि आज के समाज को अगर शिक्षित हो जाएगा समाज तो जात जात की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तब तक ये सब बातें रहने वाली है। संगठित हो गए, सबकी एक भावना हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, और संघर्ष तो हमारे से कम जातिवादी होते हैं अगर बनिया समाज के। एक्चुअली है ना, जैन का ये है कि जैन कोई वो धर्म नहीं है, एक्चुअली जैन एक परंपरा है, एक परंपरा है, एक कहानी है कि जैन यानी कि ये अहिंसा के सब मानने वाले लोग। कितने वर्षों से आप कलाकारी कर रहे हैं? बाबा साहब की पिछले 2 साल से।
दो साल में हमने करीबन 8 से 10 ये कार्यक्रम किए अभी, और मोनोलॉग ही है, सिर्फ 3-4 लोग ही अब जाके करते हैं कार्यक्रम। आ बंधारण अमल में मुकवा जेवू छे, तरल छे, युद्ध ना समय देश ने एकत्र ने अखंडित रखवा समर्थ और शक्तिमान छे। आ नवीन राज्य बंधारण व्यवस्थित रीते न चाले तो ते माटे बंधारण तो दोष नहीं होय, परंतु अमल करनारा उचित अमल करी सक्या नथी ते केवू पड़से। બંધારણની નિષ્ફળતાની જવાબદારી મનુષ્ય સમાજમાં રહેલી અધમતાને દાબવાની છે એમ માનવું પડશે। આપણા દેશમાં વ્યક્તિ પૂજા અને ભક્તિનો મહિમા અપાર છે। ધર્મમાં ભક્તિ એ આત્માની મુક્તિનો માર્ગ કદાચ હશે, પરંતુ રાજકારણમાં ભક્તિ કે વ્યક્તિ પૂજા અધોગતિ લાવે છે। ભારતીય જનજીવનમાં સમાનતાનો સંપૂર્ણ અભાવ છે, તેથી આપણે સમાનતાની સ્થાપના કરવી જ પડશે, નહીતર વિષમતાનો ભોગ બનેલા લોકો આ લોકતંત્રના મહેલને ધ્વસ્ત કરી નાખશે। મને કહેતા અતિ દુઃખ થાય છે, પરંતુ ઇતિહાસ એનો સાક્ષી છે। મોહમ્મદ બિન કાસિમની ચઢાઈ, મોહમ્મદ ગોરીનું પૃથ્વીરાજ પર આક્રમણ, અને છેલ્લે આ અંગ્રેજો, દરેક વખતે આપણા ભાઈઓની ભૂલોનો ભોગ બનવો પડ્યો છે આ ભારતને। ભારતીય પ્રજામાં જાતિ ભેદ અને પંથ ભેદ આ જૂના શત્રુઓ તો હતા, પરંતુ એમાં હવે પક્ષોના નામે નવા શત્રુઓનો ઉમેરો થયો છે। જો બધા જ રાજકીય પક્ષો પોતાના મતને રાષ્ટ્રના હિત કરતા વધુ શ્રેષ્ઠ સમજશે તો ભારતની સ્વતંત્રતા ફરી એક વખત જોખમાતા વાર નહીં લાગે, અને કદાચ એક કાયમના માટે જોખમાશે। આપણે આપણા શરીરમાં લોહીનું છેલ્લું બિંદુ પણ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આપણી સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ। રાષ્ટ્ર પહેલા છે, પક્ષ પછી આવે છે। આપણે પ્રથમ પણ ભારતીય છીએ, અંતે પણ ભારતીય છીએ। મેં તનતોડ મહેનત કરી તમારા માટે, રાષ્ટ્ર માટે, પરંતુ બધા જ રાજનેતા મારી વિરુદ્ધ રહ્યા। મારી ભૂમિકાની દેશવાસીઓને સમજ જ ન હતી, તેમ છતાં હું કાયમ રાષ્ટ્રહિતને જ પ્રાધાન્ય આપતો રહ્યો। કાયદા પ્રધાન તરીકે ભારતીય નારી સમાજના ઉત્થાન અર્થે પાર્લામેન્ટમાં મેં હિન્દુ કોડ બિલ રજૂ કર્યું। મારા ભયંકર વિરોધ વચ્ચે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં દેશના 42 ધર્મધુરંધરોને મેં પડકાર ફેંક્યો। મારી દલીલો, મારા તર્ક સામે કોઈ ટકી શક્યું નહીં। મારા સત્ય પ્રકોપે જાણે બળતામાં ઘી ભોલ્યું। રૂઢિવાદીઓના પ્રચંડ વિરોધે બિલ પરત ફર્યું, ને મેં કાયદા પ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું। મોડે મોડે ટુકડે ટુકડે બિલ પાસ થયું, ભારતીય નારીઓનો ઉદ્ધાર થયો। મેં દેશવાસીઓ માટે આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન, પુનઃ લગ્નનું પ્રાવધાન કર્યું, ને મારી જાતથી જ તેનો અમલ કર્યો। મારી કાર્ય પદ્ધતિ અંગે સર્વત્ર નારાજગીઓ વધવા લાગી। મેં સ્પષ્ટ કહ્યું, હું સંપૂર્ણ નિષ્ઠાપૂર્વક માતૃભૂમિની, રાષ્ટ્રની સેવા કરવા સમર્પિત છું। હું કોઈ દૂર દૂર દેખું નથી કે પાણીની ધારથી ધોવાઈ જાઉં। હું તો એક અડીકમ કડક સમાન છું, જે કદાપી ઓગળે નહીં, પરંતુ નદીના જોરદાર પ્રવાહને પણ વહેણ બદલવાની ફરજ પાડે ફરજ પાડે। મને નાનપણથી કબીર અને બુદ્ધ તરફ અપાર આકર્ષણ હતું।
હું જ્યારે પણ ધર્મ પરિવર્તન વિશે વિચાર કરતો ત્યારે રાષ્ટ્ર હિતને રાષ્ટ્ર ભાવનાને પ્રાધાન્ય આપતો આખરે દેશની સંસ્કૃતિ ઇતિહાસ તેમજ પરંપરાને નુકસાન ન પહોંચે અને દેશનું વધુમાં વધુ હિત જળવાઈ રહે તેની કાળજી લઈ 3 લાખ લોકો સાથે ભારતની ભૂમિનો ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।